आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। ये किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों आज इस वीडियोस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जिनको जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स थोड़े से भूल गए हैं, कम आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन होने जा रहा है। और ये स्टूडेंट उन सब के लिए भी है जो स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और उन्हें अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बेसिक बातें मालूम करनी है। उन्हें मालूम करना है कि कैसे स्टार्ट किया जाता है अकाउंटेंसी में। याद होगा कि जब आप अपने बचपन में स्टार्टिंग में गए थे तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आपने सबसे पहले पढ़े थे अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद आपने समेशन वगैरह ये सब किए थे। तो याद रखिए, जनरल एंट्रीज जो होता है वो बिल्कुल बिगिनिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। ये उन सब के लिए है जो अकाउंटेंसी में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? करेक्ट है, ठीक है सर। अब मुझे बात क्लियर हुई कि मुझे जनरल एंट्री सीखनी है, क्योंकि मैं या इधर आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और आर्ट साइड बैकग्राउंड एंड विलिंग टू मेक माय करियर इन कॉमर्स स्ट्रीम, नंबर वन। नंबर टू, आई एम एन ऑफिशियल एंड आई वॉन्ट टू नो टू अपडेट अबाउट अकाउंटेंसी एंड आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट अकाउंटेंसी। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो भी मैं आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस सेशन। ये दो अगर आपके पास रीजन है तो ये वीडियो सेशन, ये लाइव सेशन आपके लिए है। और अगर ऐसे कोई रीजन नहीं है तो कोई भी मुझे सेशन की, तब आप इस सेशन को इग्नोर कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि तुम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अकाउंटेंसी जो स्टार्ट होती है वो डबल एंट्री बुककीपिंग के बुककीपिंग बेसिस से स्टार्ट होती है, यानी बुककीपिंग से स्टार्ट करना है और अकाउंटिंग पर एंड करना है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, इट विल बी डिस्कस आफ्टर लेटर पार्ट। पर फिलहाल चूंकि आप सब कम जानते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बुककीपिंग और अकाउंटिंग एक ही बात है। ठीक है, तो अभी एट बिगिनिंग लेवल इट कैन बी म्यूचुअली यूज्ड, आइदर आई यूज अकाउंटिंग और बुककीपिंग, और इसका कॉमन मीनिंग अभी एक ही समझा जाए। जब थोड़ा सा एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगी आप लोगों को तब आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इन सब का जो मीनिंग है वो क्यों अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुककीपिंग से या अकाउंटिंग से, अकाउंटेंसी से। ठीक है, सबका मीनिंग अभी बिगिनिंग लेवल पर अभी एक ही है। हमें इसके शाब्दिक रिसर्च में पीएचडी में नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमें एकेडमिक नॉलेज नहीं बढ़ानी है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है जी, ठीक है सर। सबसे पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा जी? आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले दो बातें। नंबर एक, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, और नंबर जीरो, अकाउंटिंग में कुछ लोगों को, कुछ एसेट्स को, कुछ जो अकाउंटिंग वर्ड्स होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसे क्या कहते हैं। तो पहले हम सीखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, फिर हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और फिर उसके बाद सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो देर आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आफ्टर लर्निंग सम सफिशियंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वी वुड मूव ऑन टू लर्निंग डेबिट एंड क्रेडिट। आफ्टर दैट वी शैल मूव टू हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। तो देर आर थ्री स्टेप्स, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, करेक्ट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको आपकी इस पहली यात्रा में जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सेशन है बिगनर्स के लिए जिनको अपने अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्रीज में अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे वर्ड्स, अकाउंटिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको पांच चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर एक, क्या होती हैं एसेट्स। नंबर दो, क्लियर है, विजिबल है। नंबर दो, क्या होती हैं कैपिटल। नंबर थ्री, लायबिलिटीज क्या होती हैं। नंबर फोर,
रेवेन्यू क्या है, नंबर फाइव एक्सपेंसेस क्या है। अगर ये पांच बातें हमें पता लग जाएंगी तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये पांच बातें जाननी इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप कोई भी आप नई विद्या सीखने जाते हैं तो आपको कुछ शब्दों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इन पांच पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय एसेट्स। देखिए वैसे तो अगर आप इसकी डिक्शनरी मीनिंग ढूंढेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ संपत्ति, ठीक है। संपत्ति क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, जमीन जायदाद क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अभी हम जो इसको बात करेंगे, मैं कोई भी एकेडमिक नॉलेज जैसे सेंटेंस यूज नहीं करूंगा, मैं प्योर आपकी लाइफ वाले वर्ड्स यूज करूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है, थ्योरेटिकल सेशन नहीं है। हम किसी पेपर में पास होने की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो एसेट्स होती हैं उसका मतलब है कि जो संस्था के लिए वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो कुछ भी आपके लिए, अगर आप एक संस्था हो तो आपके लिए जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं वही संस्था की एसेट्स हैं। व्हाट डू मीन बाय संस्था, संस्था यानी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी जिसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, या मैं जिस ऑफिस में जॉब करता हूँ उस ऑफिस के लिए मैं जर्नलिटी लिख रहा हूँ। तो उस ऑफिस की जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ मैं जॉब करता हूँ एसेट्स मानी जाएगी। समझ में आ गया। इफ आई एम वर्किंग विद लिप्टन इंडिया, इफ आई एम वर्किंग विद नेस कैफे, इफ आई एम वर्किंग विद पतंजलि, तो वाट एवर द पतंजलि, नेस कैफे और लिप्टन इंडिया हैज इन फिजिकल थिंग्स, इट इज देयर एसेट्स, ये उनकी एसेट्स है। आल्सो एसेट्स कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखती हैं और ऐसी भी होती हैं जो नहीं दिखती हैं। तो वी कैन से दैट फिजिकल थिंग्स कैन बी इन टू फॉर्मेट, फिजिकल और नॉन फिजिकल, विच कैन बी टर्म इन टू टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, ये अभी हम बात करने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट, एसेट्स में ही जरूरी नहीं कि वो चीज़ें कुछ थिंग हो, वस्तुएं हो, नाउन हो, वो कानूनी अधिकार भी हो सकते हैं, लीगल राइट्स। क्या हो सकते हैं, लीगल राइट। जैसे इस वीडियोस पर मेरा लीगल राइट है, कोई और इसको डाउनलोड कर कहीं और किसी चैनल पर नहीं चला सकता। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये इस रूम में तो कहीं पर भी नहीं रखा हुआ होगा ये लीगल राइट। तो लीगल राइट्स कहाँ होता है, वो होता है किताबों में, वो कहाँ होता है, फाइलों में, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। शेयर्स कहीं दिखते हैं, नहीं दिखते ना, लेकिन वो वैल्यूएबल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एसेट्स का मतलब आपको समझाने के लिए मैं बोलूँगा ये है वैल्यूएबल थिंग्स और वैल्यूएबल लीगल राइट्स, ठीक। और ये जो वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, नंबर एक टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको मैं छू सकता हूं, जिनको मैं पकड़ सकता हूं। इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको मैं नहीं छू सकता हूं, नहीं पकड़ सकता हूं। ये बात क्लियर हुई। चलिए पहले हम इसकी बात करेंगे, बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक। तो देखिए टेंजिबल में अगर मैं बात करूंगा तो ऐसी हालत में आप लोग समझ सकते हैं इसे, जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, लिप्टन इंडिया में, नेस कैफे में, या कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग, या पतंजलि में काम कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में वहां पर देखिए टेंजिबल क्या क्या है, उनकी बिल्डिंग, उनका फर्नीचर, उनका व्हीकल्स, ये सब क्या है, ये टेंजिबल है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, इवन कैश जो उनके पास रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं, दीज आर ओनली इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं,
कंप्लीट नहीं है। तो जो कुछ भी आप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं वहाँ पर रखे हुए, वो उनकी एसेट्स हैं। मशीन देखते हैं, वो उनकी फिजिकल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हम वैल्यूएबल लीगल राइट्स को इनटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। ऐसे क्या होती हैं? देखिए, शरबत रूह अफ़ज़ा आजकल आ नहीं रहा है, क्या मैं किसी उस पर लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा शरबत है, मान लीजिए तो पानी है, ये पानी, ये शरबत रूह अफ़ज़ा है और ये रूह अफ़ज़ा में वही चीज़ है जो शरबत रूह अफ़ज़ा में मिलती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा करा तो ओरिजिनली जो लोग शरबत रूह अफ़ज़ा बनाते हैं वो मुझ पर केस कर सकते हैं, क्योंकि उनका फार्मूला मैंने उनके नाम से बेचा है। तो इसके लिए वो मुझसे क्या लेंगे? मेरे से कुछ पेमेंट लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी तरीके से मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर लिख सकता हूँ कि ये कोका कोला का फार्मूला है और हम इसे कोका कोला का फार्मूला ही डायरेक्ट आपको बेच रहे हैं। नहीं, जब तक मैं कोका कोला कंपनी को उनके जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी पेमेंट नहीं कर दूंगा तब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई? जो लोग देरी से जुड़े हैं उनको फिर से बता दूं मैं कि आज हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक जर्नलिटीज। दिस सेशन इज बिलोंग टू नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, दिस सेशन बिलोंग टू दो स्टूडेंट हु जस्ट पास देयर 10th क्लास। ओके, तो अगर आप 10th क्लास पास करें हैं एंड यू आर गोइंग टू एडमिट इन कॉमर्स टीम इन 11th कॉमर्स, देन दिस सेशन इज बिलोंग टू यू। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको कॉमर्स के बारे में ज्ञान लेना है, हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज, इन सब के बारे में जानना है, देन दिस सेशन इज बिलोंग टू यू। ठीक है, चलिए, ये बीच में आने वाले स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को एक इन्फॉर्मेशन थी। हम वापस अपने प्लेटफॉर्म पर आते हैं। मैं आपको बात बता रहा था कि मुझसे लीगल राइट्स के पैसे लिए जाते हैं और ये वो लेगा जिसका कानूनी अधिकार है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर मैं किसी का ट्रेडमार्क यूज़ करूँ तो मैं अपने जूते पर एडिडास का ट्रेडमार्क लगाऊं तो फार्मूला मेरा हो, निशान उनका हो, तो भी वो पैसे लेंगे। किस बात का? ट्रेडमार्क का। तो इस तरह से इंटेंजिबल जो राइट्स होते हैं वो हो गए, जैसे कि कॉपीराइट, किसी की किताब का मैटर मैं नहीं छाप सकता, लेकिन अगर मैं उसकी पूरी किताब छापना चाहता हूं तो मुझे उनको पेमेंट देनी पड़ेगी और ये पैसे मैंने लिए कॉपीराइट के लिए। तो जो पेमेंट मैंने करी और बदले में कॉपीराइट परचेज करा, ये मेरे एसेट्स होगी, वैल्यूएबल है, लीगल राइट है, कॉपीराइट वाला है और इंटेंजिबल है क्योंकि वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम दिखता नहीं है। इसके अलावा जो शेयर्स होते हैं वो भी कहीं नहीं दिखते लेकिन वैल्यूएबल होते हैं। डिबेंचर्स होते हैं वो भी कहीं नहीं दिखते, वो भी वैल्यूएबल होते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो आप बैंकों में लगा देते हैं। इसके अलावा पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? फार्मूले जो किसी और के थे और मैंने पेमेंट देकर वो फार्मूले उनसे खरीद लिए तो ये मेरी लीगल राइट हो गई। इवन कि तुम लोग जो कंप्यूटर्स में अपना विंडो खरीद लेते हो, विंडो सॉफ्टवेयर खरीद लेते हो, तो वो जो विंडो सॉफ्टवेयर खरीदा है वो सॉफ्टवेयर कहाँ पर आएंगे? टेंजिबल में, इंटेंजिबल में, इधर आएंगे। तो जो सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लेते हैं और आपके मालिकाना हक में है वो आपकी एसेट्स हैं और वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, किसी संस्था का ट्रेडमार्क्स मैंने यूज करने के, मैंने धोनी को बुला लिया, MS धोनी को, मैंने कहा कि आप मेरे लिए 3 महीने के लिए मार्केटिंग करें, तो मैंने उनको जो पैसे दिए वो धोनी के लिए इनकम है और मेरे लिए क्या है? मैंने उनको प्रमोशन के लिए जो पैसा दिया है वो प्रमोशन एक्सपेंसेस है, और अगर मैंने लंबे समय के लिए दिया है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, तो ये मैंने उनकी गुडविल खरीद ली, तो मैं उसे गुडविल के नाम से दिखाऊंगा। पॉइंट क्लियर है? सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस सेशंस को देख रहे हैं अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पर। मैं प्रशांत भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं और बोलता हूं कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन टाइप हियर। चलिए, अब यहाँ पर हो गया, मैंने एसेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। कितना बताया? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों? इतना काफ़ी है आपको जर्नल एंट्री सिखाने के लिए, इतना काफ़ी है। आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। कब नोट करेंगे? मैं आपको बताऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूं
तब आप नोट नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखेंगे, और उसके बाद जब मैं कॉपी करने के लिए बोलूँगा तब आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, कैपिटल, कैपिटल क्या है? हाँ जी, कैपिटल की बात करते हैं। क्या है जी कैपिटल? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपनी पॉकेट से कुछ बिजनेस शुरू करा, तो अपनी पॉकेट से जो पैसा बिजनेस में लगाया अकाउंटेंसी में, उसे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अच्छा सर, अब बात समझ में आई, कैपिटल। जी हाँ, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, आप लिप्टन में काम कर रहे हैं, तो लिप्टन में चूंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो डेफिनेटली शेयर्स में पैसा लगाया होगा इनके डायरेक्टर्स ने, तो ये उसे कैपिटल की जगह वहां पर शेयर कैपिटल कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड शेयर कैपिटल? देयर इज नथिंग, नो सच डिफरेंस। बस ये कहते हैं कि जब कंपनी के लिए पैसा लगाया जाता है तो उसे कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दैट कैपिटल इज शेयर्ड बाई मोर देन वन शेयर होल्डर। तो चूंकि एक से ज्यादा लोग उसके मालिक होते हैं, इसलिए उसे बोल देते हैं शेयर की गई कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा जी, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? आगे बेटा ये बता रहे हैं हम कि कैपिटल का मतलब है मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया, नंबर एक, मालिक ने बिजनेस में जो पैसा कमा लिया है और वो उसका हक है, उसका प्रॉफिट है, तो वो भी कैपिटल का ही हिस्सा माना जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कैपिटल का मतलब है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन टू बिजनेस। बिजनेस में जो मालिक ने पैसा लगाया या जो अमाउंट मालिक ने बिजनेस से लेना है, ठीक है, बिजनेस ने जो पैसा मालिक को देना है, मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू इट्स ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मालिक को जो पैसा उसने लौटाना है, आप एक दुकान के मालिक हैं तो उस दुकान ने आपको क्या लौटाना है? आपने जो पैसा दुकान में लगाया और वो लॉस नहीं हुआ है तो वो आपको लौटाना है दुकान ने, तो वो उस दुकान की कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कैपिटल, कि दुकान ने पैसा चुकाना है, इतना पैसा चुकाना है अपने मालिक को। दुकान ने मालिक के पैसे से बहुत सारा पैसा और कमा लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रॉफिट है वो भी दुकान ने मालिक को लौटाना है, तो दैट प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज कैपिटल, क्योंकि वो मालिक का ही है। और जो पैसा मालिक ने बहुत सालों से कमा कर जोड़ रखा है, जिसे हम रिजर्व बोलते हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी कैपिटल मानी जाएगी। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा और अब हम लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज का मतलब है कि बिजनेस ने जो पैसा चुकाना है। आपने एक दुकान खोली, दुकान में आपने बहुत सारा पैसा उधार से बहुत सारा सामान भर लिया, तो वाट एवर द अमाउंट जो आपने उधार में लिया है, दैट वो पैसा आपने लौटाना है। किसको लौटाना है? जिन से आपने उधार लिया है। तो वो सारा पैसा जो आपकी बिजनेस ने लौटाना है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो उस लायबिलिटी को हम लायबिलिटी बोलेंगे। तो क्या कैपिटल लायबिलिटी नहीं है? यस, कैपिटल भी लायबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा दुकान ने मालिक को लौटाना है वो भी लायबिलिटी। जो पैसा दुकान ने मालिक को नहीं लौटाना, मालिक के अलावा बाकी सबको लौटाना है, वो भी लायबिलिटी। तो इसका मतलब है कैपिटल लायबिलिटी को टोटल कर देंगे तो टोटल लायबिलिटीज आएगी। क्या आएगी? टोटल लायबिलिटीज। तो सर फिर कैपिटल को कहते हैं? हमें यह मालूम करना है कि कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जो मालिक के लिए है, और कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जो अदर पार्टीज के लिए है। तो फिर कैसे मालूम करेंगे? फिर तो लायबिलिटी में जाके ढूंढना पड़ेगा ना।
हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि जो जो पैसा मालिक को देना है दुकान ने बिजनेस ने वो आप कैपिटल के अंतर्गत लिखते चले जाओ, और जो पैसा दुकान ने मालिक को नहीं देना है, मालिक के अलावा बाकी लोगों को देना है, वो किस में लिखते चले जाओ, लायबिलिटीज में लिखते चले जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है कैपिटल के अलावा लायबिलिटी, और अगर इन दोनों के टोटल को बोलते हैं तो हम बोलते हैं टोटल लायबिलिटीज। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। चलिए, किसी सब्सक्राइबर ने कुछ कहा है, आई एम लॉ स्टूडेंट, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, गुड आफ्टरनून सर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इस 20 सेशन में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स टीच करता हूं, जिसमें से फेवरेट सब्जेक्ट मेरे अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स है। इसके अलावा आप मुझसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इसके अलावा आप मुझसे लॉ पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चूंकि आप सभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जब जो कंटेंट मैं चला रहा हूँ वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यूजेबल ना हो, शायद वो उस क्लास को पढ़ चुका हो, शायद उस सब्जेक्ट में वो वैसे ही कंफर्ट जोन में हो, शायद वो उसका टॉपिक पूरा हो चुका हो। तो इसलिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस चैनल के मेरी अपनी कम्युनिटी है, लाइक मेरे फैमिली है, क्योंकि चैनल एक फैमिली की तरह हो जाता है धीरे धीरे, और एक पैशन एक आ जाता है बार बार उनसे उनके पास जाने का, उनके पास बात करने का। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो आप प्लीज़, मैं जानता हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ ऐसी हालत में, तो बस आप मुझे इसलिए माफ़ करें क्योंकि मैंने आपको तंग करने के लिए ये नहीं किया, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स इसी चैनल पर हैं, वो उनके काम का है। डिफरेंट चैनल मैं बनाना नहीं चाहता कि एक चैनल मैं अकाउंटेंसी के लिए बनाऊँ, एक टैक्स के लिए बनाऊँ, एक एफएम के लिए बनाऊँ, अभी वो स्टेज नहीं आई है। ठीक है बेटा, ठीक है लता जी। बाकी आपने कुछ अपना कुछ लॉ के लिए कोई सब्जेक्ट, लॉ के लिए कोई टॉपिक मेरे को बोलना हो तो आप इस पर टाइप कर दें, डेफिनेटली हम आने वाले समय में उसके लिए उस सीरीज को ले आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो वट एवर द अमाउंट जो आपके बिजनेस ने लौटाना है, जो पैसा बिजनेस ने लौटाना है, किसको लौटाना है, मालिक के अलावा बाकी पार्टीज को, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लायबिलिटीज। तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू अदर पार्टीज, टू द पार्टीज, ऐसे लिख देते हैं, टू द पार्टीज अदर देन ऑनर। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लायबिलिटीज। तो इसका मतलब अब मैं यहां पर कुछ बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, जरा देखिए मैं क्या बोलना जा रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स कहां से आती हैं, चलिए बताइए, बताइए साहब। लता जी मैंने आपकी बात सुन ली है, पार्टनरशिप पर आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं इस पर सीरीज लेकर आऊँगा और डेफिनेटली बताऊँगा। मुझे आप ये और टाइप कर दें आप कौन सी क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं उसी रिलेवेंट कंटेंट के लिए नेक्स्ट सीरीज पर लेकर आऊँगा। ठीक है, टाइप कर दें सी ए फाउंडेशन, सी एम ए फाउंडेशन, बी कॉम है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वो सब भी पुश कर दें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सब भी लिख दें उसी के रिलेवेंट से। चलिए आइए स्टूडेंट्स, जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनसे बात हो रही है कि एसेट्स कहां से आते हैं, बताइए। लेट्स प्ले सम एग्जांपल्स। मैं इस स्टूडियो में हूं, मेरे पास ये स्टेशनरी है, मेरे पास एसी भी है स्टूडियो में, ठीक है, और मेरे पास कैलकुलेटर भी है स्टूडियो में, ये सब क्या है, एसेट्स हैं।
क्यों है एसेट्स? क्योंकि ये वैल्यूएबल थिंग्स हैं, ये सब क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स है। जिस प्रॉपर्टी में मैं हूँ, ये बिल्डिंग भी इसी स्टूडियो की है, तो ऐसी हालत में बिल्डिंग भी इनकी है, ये आसपास जो फर्नीचर मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है, ये फर्नीचर भी उनकी वैल्यूएबल एसेट्स है, ठीक है। और नीचे कार खड़ी हुई है जो मुझे बाद में छोड़कर आती है, ये फैसिलिटी स्टूडियो ने दे रखी है, तो ये व्हीकल भी इनकी प्रॉपर्टी है, स्टूडियो की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर शायद कुछ कैश भी रखा होगा, तो कैश भी उनकी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ये सारी एसेट्स है। सर एसेट्स तो क्लियर हो गई, पर आप क्या पूछना चाहते थे? मैं ये पूछना चाहता था कि ये एसेट्स कौन लेकर आया, कहां से आई एसेट्स? यस कम ऑन, देखिए इस एसेट्स को बिजनेस में या तो जो बिजनेस चलाने वाला मालिक है वो लेकर आया, और अगर मालिक नहीं लेकर आया होगा, ध्यान से सुनते रहिए, अगर मालिक नहीं लेकर आया होगा तो फिर बिजनेस ने कहीं से उधार लिया होगा। तो यानी कि एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड, एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड, और वी कैन से इन दिस मैनर, एसेट्स आर एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ या तो मालिक के द्वारा या मालिक के द्वारा। यानी कि एसेट्स कौन लेकर आएगा? एसेट लेकर आएगा या तो मालिक, या कौन लेकर आएगा? अदर देन मालिक। ये अदर देन मालिक कौन है? ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जैसे कि बैंक लोन, बैंक लोन से लाएंगे, जैसे कि जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर्स, ठीक है। मैंने किसी से पेमेंट देनी थी, उसको पेमेंट नहीं दी, मैंने अखबार वाले को पेमेंट नहीं करी, केबल वाले को पेमेंट नहीं करी, तो फिर क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अभी पेमेंट करनी है तो एक तरीके से लोगों का पैसा मेरे पास आ गया ना, क्योंकि मैंने उनको पेमेंट नहीं करी और मैंने उनका सामान इस्तेमाल कर लिया। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, दीज आर द लायबिलिटीज। ये क्या है? लायबिलिटीज हैं। बैंक का पैसा नहीं दिया मैंने, बैंक को मैंने, बैंक में मैंने 10,000 लगाए थे और वहां से 12,000 रुपए निकाल लिए, तो जितना जमा था उससे ज्यादा निकाल लिया, 2,000 माइनस हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई बैंक जितना मैंने जमा करा उससे ज्यादा क्यों ले लेगा? आंसर यह है कि या तो मैंने कोई सिक्योरिटी दी होगी, मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी होगी वहां पर, और बोला होगा कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, बीच बीच में ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए प्लीज़ मेरा चेक डिसऑनर मत करना, या मैंने कोई बहुत अच्छी गारंटी दे दी होगी, ठीक है, सही है, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या है, आगे भी हम बताते हैं अभी हम आपको। तो मालिक को क्या कहते हैं? मालिक को कहते हैं कैपिटल। मालिक को जो पैसे देना है हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। और अदर देन ओनर को क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। तो या तो एसेट्स कैपिटल लाएगा या एसेट्स लायबिलिटी के थ्रू आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा एसेट्स के इक्वल रहेगा, क्योंकि अगर मैं एसेट्स कैपिटल से लाया हूं तो जितना पैसा मालिक ने लगाया उतनी ही एसेट्स है, अगर कैपिटल से नहीं लाया हूं तो जितना उधार लिया उतनी एसेट्स हैं, थोड़ा सा मालिक से लिया, थोड़ा से बाहर से लिया, तो जितना इन दोनों का टोटल है उतनी ही एसेट्स होंगे। बात समझ में आई? प्रूव करवाना चाहते हैं तो बोलें, बोलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अभी हम आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर इस पर किसी ने कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो वो बता सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी पी लो। यस थैंक यू। लता पांडे जी का कमेंट है कि वो उत्तराखंड से हैं और उन्होंने मेरे सेल ऑफ गुड्स के वीडियो से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करा था और इसीलिए उनको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे। मेरे चैनल पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के मैंने सारे वीडियोज़ डाले थे, एग्जामिनेशन टाइम में स्टूडेंट्स की मेरे पास इंक्वायरीज आई थी तो मैंने कर दिए थे, और फिर मैंने उनको दोबारा से अनपब्लिक कर दिया है, डिलीस्ट कर दिया है,
अगर आप लोगों को किसी भी को भी मेरे कुछ पॉइंट्स जरूरत हो तो मैं, मेरा अक्सर रहता है कि मैं पब्लिक करता हूँ फिर उसे अनलिस्ट कर देता हूँ, तो मैं हमेशा के लिए पब्लिक नहीं छोड़ता हूँ, तो आप मुझे बता देंगे तो मैं फिर से पब्लिक करता हूँ, और पार्टनरशिप के लिए मैं आपको लेक्चर्स देता हूँ, ठीक है लता। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को मेरी मेहनत का परिश्रम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। गुरु विद्या क्या है, गुरु दक्षिणा क्या है, कि पढ़ने के बाद कम से कम सब मेरे इस चैनल को शेयर तो करें अपने मीडिया चैनल पर अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और उनको बताएं तो सही ये चैनल पर क्या क्या कंटेंट है, कैसा मेरा कॉपरेशन है, ताकि वो भी आएं और वो भी सब्सक्राइब करें, बस इतना सा चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अब बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर, तो रूटीन में रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो डेफिनेशन आपने देखी, ये जो मैंने बीच में आपको पढ़ाने की कोशिश करी, बेसिकली क्या है, दिस इज नोन एज, दिस इज द बेस, बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, और इसे कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अकाउंटिंग इक्वेशन मींस एसेट्स आर इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसका एक्सप्लेनेशन है, आइदर एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल और विद द हेल्प ऑफ लायबिलिटीज और ए मिक्स पार्ट ऑफ दैट। तो दोनों के मिक्स पार्ट से आप एसेट्स परचेज कर सकते हैं या किसी एक की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? जी हाँ, ये बात आपके समझ में आ गए, ठीक है सर। अब ये आपने क्यों बताया? क्योंकि ये सब ज़रूरी था सर, इस शेड्यूल में तो नहीं लिखा था आपने, क्योंकि ये आने वाले समय में काम का होने वाला है, इसलिए आपको बताया, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? आपने तो ये कहा था कि आज आप जर्नल एंट्रीज पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी खोदी जाती है और नींव बनाई जाती है, तभी तो। और उस समय कोई मेरे से कहे या किसी से कहे कि बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, तो क्या कहेगा बनाने वाला? बनाने वाला यही कहेगा कि बिल्डिंग अभी नज़र आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। तो जर्नल कैसे बनती हैं ये हम आपको बताएंगे सेशन टू में बताएंगे, लेकिन जो आज का कंटेंट है वो सेशन टू के लिए इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इस सेशन को अच्छे से देखें, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए, अब हम आते हैं रेवेन्यूज़ में। रेवेन्यूज़ क्या है? हाँ जी बताएं सर, रेवेन्यू, रेवेन्यू देखिए, जो भी बिजनेस चलते हैं वो किस लिए चलाए जाते हैं? जो भी बिजनेस चलते हैं सबका एक ही पर्पस होता है, माल को बेचना, जिसे हम कहेंगे सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो सेल्स नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना एक स्पेशल स्किल आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स वो कुछ बेचते नहीं हैं, इवन टीचर्स वो कुछ बेचते नहीं, वो स्किल देते हैं अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरा बिजनेस जोन है, बिजनेस जोन क्या है, या तो मैं बिजनेस करता हूँ या मैं प्रोफेशनल हूँ, देयर आर ओनली टू वेज, आइदर फॉर बिजनेस या फिर रेंडरिंग सर्विसेज। तो जो कुछ भी मेरी एक्टिविटी है और वो जिस कारण के लिए की जा रही है, उस काम के करने से जो मेरे को पैसा आ रहा है, जो इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है या आएगा, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। डॉक्टर्स को मिलने वाले, पेशेंट से मिलने वाली फीस, रेवेन्यू। एडवोकेट्स को अपनी सलाह देने के बाद अपने क्लाइंट से मिलने वाला पेमेंट, रेवेन्यू। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट से मिलने वाली फीस, रेवेन्यू। टीचर्स को ट्यूशन फीस, रेवेन्यू। ये तो सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल था। बिजनेस पर आ जाते हैं, समोसे कचौरी की दुकान है, समोसा बेचने से, कचौरी बेचने से जो स्वीट शॉप को मिलता है पैसा, वो क्या है? उसका रेवेन्यू। आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचे हैं और आपको बदले में जो पैसा आया है वो आपका रेवेन्यू। तो अब रेवेन्यू क्लियर है? रेवेन्यू का मतलब मैं प्रॉफिट समझ सकता हूँ? नेवर। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी रेवेन्यू का मतलब है जो पैसा आपने अपने कस्टमर से लिया है, या आपने अगर उधार में बेचा है तो जो आप पैसा आप कस्टमर से फ्यूचर में लेंगे।
तो अभी उस पैसे में प्रॉफिट कैसे है? अगर आपने एक टीवी 20,000 का सेल करा है तो ऐसी हालत में 20,000 थोड़ी प्रॉफिट है, पर 20,000 इज रेवेन्यू, 20,000 इज रेवेन्यू। और अगर आप उस काम में कोई और साइड बिजनेस कर रहे हैं, है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है, लेकिन आपने कोई प्लॉट खरीदा और उसे बेच दिया, तो इसे रेवेन्यू नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अदर इनकम। क्या कहेंगे? अदर इनकम। हालांकि इसका नेचर रेवेन्यू ही माना जाएगा, लेकिन हम इसे रेवेन्यू की सीरीज में नहीं लेंगे। ये है तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए की गई एक्टिविटी, लेकिन चूंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ प्लॉट खरीदूंगा, रोज़ रोज़ प्लॉट बेचूंगा, तो इसलिए इस एक्टिविटीज़ को मैं रेवेन्यू की जगह पर अदर इनकम में रखूंगा। ये बात क्लियर हो गई? तो रेवेन्यू क्या कह सकते हैं हम? इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीव्ड या आने वाला है रिसीवेबल, आउट ऑफ जो मेरा बिजनेस है, आउट ऑफ मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जिस चीज का मेरा बिजनेस है या प्रोफेशन है उसकी मेन एक्टिविटी से, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है मेन एक्टिविटी, जो मेन कोर एरिया है उससे, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और जो कोर एरिया नहीं है तो क्या माना जाएगा? अदर इनकम। क्या माना जाएगा? अदर इनकम। ठीक है सर, रेवेन्यू क्लियर कर दिया आपने, अब सर बस एक्सपेंसेस कर दिए तो आज का सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, शाबाश, हम करने वाले हैं। जरा ये बताइए आप, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप है आपकी, जहाँ टीवी फ्रिज वगैरह बेचते हैं, उसको बेचने के लिए आपने कोई एफर्ट करा? जी हाँ किया। क्या किया? सर वहाँ हमने बिल्डिंग ली, फिर क्या करा आपने? सर मैंने फर्नीचर लगाया उसमें। फिर क्या किया आपने? फिर सर मैंने टीवी फ्रिज वगैरह खरीदे और वहाँ सजा दिए। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने स्टाफ रखा। स्टाफ किस लिए रखा? मैंने स्टाफ इसलिए रखा कि उनको बेचने के लिए मैंने सेल्समैन रखने थे, मार्केटिंग एक्टिविटी करनी थी, पियोन रखना था, अकाउंटेंट रखना था। यस, तो उनको क्या दिया? सैलरी दी। उनको क्या दिया? वेजेस दिया। तो ये सब क्या है? यानी कि ये चीज एक्सपेंसेस है। सर बिल्डिंग खरीदी, क्या वो एक्सपेंसेस है? नहीं, वो एसेट्स है। तो सर एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या फर्क है? देखिए एसेट्स वो है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया इन सब चीजों में, और अगर आप इन सब चीजों को वापस बेच देंगे तो पैसा वापस आ जाएगा, तो एसेट्स ये है। और एक्सपेंसेस वो है जहां आपका पैसा चला गया लेकिन अब आएगा नहीं। समझ में आ गया? यानी कि आपने ऐड करा, विज्ञापन करा, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। वो आपकी सेल्स को बढ़ा देगा लेकिन वो जो दिया है वही वापस नहीं आएगा। वो आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए किया गया, यानी मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू को पाने के लिए जो पैसा खर्च कर देते हैं, रेवेन्यू को पाने के लिए जो पैसा इनकर्ड हो जाता है, रेवेन्यू को पाने के लिए जो कुछ भी मैंने पैसा इनकर्ड किया, वो सारा पैसा एक्सपेंसेस है। वो सारा पैसा एक्सपेंसेस है और उसके बदले में कोई भी एसेट जनरेट नहीं हो रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर एसेट जन मैंने अब कंप्यूटर खरीद लिया तो आप कहेंगे सर वो सेल्स बढ़ाने के लिए तो किया, रेवेन्यू पाने के लिए तो किया? नहीं, वो रेवेन्यू पाने के लिए क्या, वो बेसिकली मैंने एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए करा, एक बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए किया, तो इसलिए उसे हम रेवेन्यू की जगह पर हम एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि मेरे कंप्यूटर्स मेरे टेंजिबल एसेट्स हैं। मैं अगर कंप्यूटर को बेच दूंगा तो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो जो पोस्टर है जो एडवर्टाइजिंग पर मैंने लगाया था या मैंने अखबार में जो ऐड छापा था, क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिकवरेबल। ठीक है, ठीक। तो एक्सपेंसेस क्या है? अमाउंट विच आर इनकर्ड फॉर गेटिंग रेवेन्यू, वो क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वंस डन नॉट रिकवरेबल, वो वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं, गए हमेशा के लिए, गए संस्था के पास। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, एग्जांपल बता देते हैं।
जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे आपने टैक्सेस पेड करे, जैसे आपने कोई एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करा, जैसे आपने कोई मजदूरी पर पैसा खर्च करा, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्च करा, ये सारे खर्चे किसके हैं? बिजनेस के खर्चे हैं। किसके खर्चे हैं? बिजनेस के खर्चे हैं। जैसे आपने स्टेशनरी पर कोई पैसा खर्च करा, जैसे आपने रिपेयरिंग कराई अपने यहां पर, तो इस पर पैसा कोई खर्च करा, तो दीज आर ऑल आर एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस हैं दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। ये सब कुछ सीखने के बाद अब आपके अंदर वो चीजें मैंने डाल दी हैं कि जब मैं जर्नलिस्ट कराऊंगा तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। ठीक। फिलहाल जब मैं सेशंस 2 स्टार्ट करूंगा तो तब तक आपने इन सबको याद कर लेना है। याद का मतलब बेटा रट्टा मारना नहीं है, याद का मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। जब नेक्स्ट सेशन में मैं कहूंगा एसेट्स तो आपको मालूम होना चाहिए एसेट्स क्या होते हैं। मैं बोलूंगा एसेट्स तो आपको एग्जांपल याद आने चाहिए। मैं कहूंगा कैपिटल तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पैसा जो मालिक ने लगाया। मैं कहूंगा लायबिलिटी तो मैं कहूँ आपको लग जाएगा कि बिजनेस ने जो पैसा मालिक से नहीं लिया बाकी पार्टी से लिया, और वो कौन सी होती है, वो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब मैं बोलूंगा रेवेन्यू तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी के लिए किया गया काम उसके बदले में जो मेरे को इनफ्लो आता है, इनफ्लो यानी जो पैसा आ रहा है या पैसा आएगा वो रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू को पाने के लिए फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू वॉट एवर द अमाउंट एक्सपेंस विच इज नॉट रिकवरेबल इज नोन एज एक्सपेंसिस। इस रेवेन्यू को पाने के लिए जो पैसा मैंने खर्च करा है लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा तो वो एसेट्स है, अगर वो रिकवर नहीं होगा तो एक्सपेंसेस है। ये बात ध्यान में रखना। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। इसके अलावा जो इसको याद कर लेंगे तो उनके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट्स भी बनाऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं अपने YouTube चैनल पर पोस्ट में डाल दूंगा ताकि आप लोग को सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल जब आपको क्लियर हो जाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स की सहायता से भी और इस वीडियो सेशन की सहायता से भी, तो तब आप इस काबिल होंगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियो लेसन जो मैं लेकर आ रहा हूं। तो अभी जो इस सेशन में स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल होगा लगभग 1 घंटे के बाद, तो तब जितने भी देखने वाले हैं मुझे उनके कमेंट्स की रहेगी तलाश। मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स दें, इस वीडियो सेशन के बारे में कमेंट्स दें, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वो कमेंट्स दें, और जो आपकी नीड है, जिस तरीके की आप प्रॉब्लम फील करते हैं अपने स्टडीज़ में या अपने ऑफिस में अकाउंटेंसी रिलेटेड, वो भी आप कमेंट्स करें, तो वो सब हम आपको लेकर आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हमारी होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय, टाटा, सायनारा, जय हिंद।